गाइज, अगर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो अगर ओपन नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे उसे ओपन कर रहे हो या प्रॉपर तरीके से आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपके यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है, जो डेस्कटॉप पे है, आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइल लोकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ पे क्रोम को आपको यहाँ पे शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो होगा, मैंने क्रोम ब्राउज़र का आपको यहाँ पे शॉर्टकट एप्लीकेशन शो होगा, तो आपको इसको रीनेम कर लेना है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको शो मोर ऑप्शन पर जाना है, और आपको यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे रीनेम करना है। तो रीनेम में आप यहाँ पे कुछ भी नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रोम वन यहाँ पे टाइप करके मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस कर देने के बाद अब आपको उसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ और आपको यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है, देन यस। और अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यहाँ पे अगेन एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया है, और जो पहले वाला यहाँ पे जो शॉर्टकट था, आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपको इसे डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर रिफ्रेश करना है डेस्कटॉप के ऊपर, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि अब आप यहाँ पे जो शॉर्टकट्स क्रिएट किए हैं, आपको यहाँ पे इसे ओपन करके चेक करना है कि यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप एक बार अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका जो क्रोम है वो आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, या आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट पेज में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट, और आपको यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट को आपको यहाँ पे ओपन करना है, और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर आपको यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर को आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा। अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि मान के चलिए आपका जो क्रोम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आज आ रहा है, टुडे आ रहा है, या यस्टरडे को आपका ये प्रॉब्लम नहीं था, या यस्टरडे से पहले आपका ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका जो सिस्टम है वो यस्टरडे में या यस्टरडे से पहले वाले डेट में अगर आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका सिस्टम पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट को आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे जो भी रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे शो होगा, जो भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होगा, हो सकता है आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो, तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे सिंगल ही यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपके भी केस में अगर आपको यहाँ पे सिंगल डेट और टाइम आपके यहाँ पे शो होता है, तो आपको उसी डेट और टाइम पे यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने के बाद, और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोग का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग का 15 मिनट 20 मिनट का भी टाइम लग जाता है। और रीस्टोर होने के बाद और आपके सिस्टम में जैसा भी आपका सिस्टम पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके यहाँ पे ओपन होगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टोर करते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा टाइम लग जाएगा रीस्टोर करने में। तो ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो। और अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फाइनली करना क्या होगा कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस कर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है ऐप विच डॉट सी पी एल, आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है, और आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, देन यस, तो यहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपके यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे शो नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो अनइंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे जो शॉर्टकट्स है वो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे शॉर्टकट्स में आपको यहाँ पे क्रोम का आपको यहाँ पे आइकन शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपका यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपका यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे आपका जो भी शॉर्टकट्स है तो आपको उसे आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अगेन अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। और इस बार रन में आपको यहाँ पे टाइप करना है परसेंट टैम्प परसेंट, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स या टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपके यहाँ पे परमानेंटली सबसे पहले जो डिलीट कर देना है कंटिन्यू। और जितने भी टेम्प्रेरी फाइल्स होंगे वो आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स हो सकता है आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है अगेन टैम्प। टैम्प टाइप करने के बाद फिर आपके यहाँ पे जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होते हैं जो अनवांटेड फाइल्स है, तो आपको इन सभी को भी आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। और यहाँ पे भी हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। अब आपको इस बार करना क्या है कि आपको यहाँ पे फिर अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्री फिच PREFETCH प्री फिच, ओके करना है, कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे भी बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो अनवांटेड फाइल्स है, तो आपको इन सभी को भी आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे फिर अगेन आपको यहाँ रन प्रोग्राम को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है परसेंट ऐप डेटा परसेंट। आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, परसेंट ऐप डेटा परसेंट इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐप डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऐप डेटा वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे लोकल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। लोकल वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्रोम के नेम से या गूगल के नेम से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गूगल के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है और आपके यहाँ पे क्रोम का आपको ये फोल्डर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस क्रोम वाले फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपके क्रोम के रिलेटेड जो भी जितने भी फाइल्स हैं आपके सिस्टम में जहाँ जहाँ रहते हैं, टेम्प्रेरी फाइल्स में रहते हैं या प्रीफिक्स में रहते हैं या आपका ऐप डेटा में रहते हैं, तो उन सारे जगहों से आपको उनके मैंने सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है। कुछ भी फाइल्स होंगे तो आपको उन सभी फाइल्स को यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। और ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पे एक ब्राउज़र का आपको यहाँ पे हेल्प लेना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको यहाँ पे एज शो होता है, आपके विंडोज़ के रिलेटेड आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, तो आप इसे भी ओपन कर आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का ये ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा होगा और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र की वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और आप यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र का जो इंस्टॉलेबल फाइल है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड कहाँ पे होगा, जैसे मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रोम सेटअप के नेम से आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का आपके यहाँ पे इंस्टॉलेबल फाइल आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोडर फाइल आपके यहाँ पे एक डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉलेबल फाइल नहीं डाउनलोडर फाइल। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जो आपका क्रोम ब्राउज़र है। और डाउनलोड होने के साथ साथ आपके यहाँ पे मैंने डाउनलोड होने के बाद आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे ये डाउनलोडिंग हो रहा है, कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे इंस्टॉलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका क्रोम इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है अगेन, और यहाँ पे जो फ्रेश एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा और यहाँ पे वर्क कर भी रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे google.com यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा google.com भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। और मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे क्रोम के रिलेटेड ही मैं यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क भी कर रहा है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन भी हो गया है। तो आप यहाँ पे
इस प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज़ को ज्वाइन नहीं किए हो, फॉलो नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डाल सकता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।